हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो जो आपके साथ साथ सोसाइटी के सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लॉजिंग ऑफ द FIR। हमारे साथ, हमारे परिचित के साथ, हमारे किसी रिलेटिव के साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है, कोई भी अपराध हो सकता है, तो हम क्या करें? तो जैसा आप लोग जानते हैं, 29 ईयर से लॉ की क्लासेस मेरे द्वारा ली जा रही हैं। इधर प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हर स्टेट के स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं। आप में से जो लोग ये चाहते हैं कि हम सर से डायरेक्ट जुड़ जाएं, एक कोई कोर्स आपका प्रिस्क्राइब्ड है, चाहे वो आपका सिविल जज का हो, HJS का हो, या आपका जो है APO का है, या आप लॉ का स्टूडेंट हो, आपको जो भी पेपर की पूरी कंप्लीट आप चाहते हैं कि हम रेगुलर क्लास करें, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो में दिया रहता है, अब आप हमसे बात करके इसमें जुड़ सकते हैं। तो देखिए, जो FIR है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कभी हमारे साथ, हमारे किसी परिचित के साथ कोई भी ऑफेंस हो, तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आप न किसी से राय मशविरा करिए, न कोई आप किसी के ऊपर दबाव बनाइए, न जिसने आपके साथ क्राइम किया है कि उसके साथ जाके आप क्राइम करें, बल्कि लॉ कहता है कि आप लॉ को हाथ में न लेके लॉ का सहारा लें। तो सहारा के लिए क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस थाने बनाए गए हैं, पुलिस प्रशासन बनाया गया है। आप जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, थाने पर जाकर अपनी सूचना को दे दें कि मेरे साथ ये क्राइम हुआ। ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है। आप चाहें तो मैसेंजर भेज सकते हैं, किसी को पर्सनली बोल सकते हैं, आप चाहें तो टेलीफोन से बता सकते हैं। और आज तो जो ये नेटवर्किंग का ही टाइम आया है, इसमें ये कहा गया कि गूगल पर हर थाने में का नंबर, थाने के भार सदक अधिकारी का, ऑफिसर इंचार्ज का, वो अवेलेबल है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटीज़ होती है कि वो आपकी बातों को FIR के फॉर्म में लिखे और जो आपके साथ क्राइम किया गया है, जिसने किया है, उसको अरेस्ट करें। ये तो बड़ी सिंपल बात है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में डायरेक्शन दिया है कि जितने भी ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन हैं, आप लोग FIR तो लॉज करें, FIR लॉज करने से आप मना ना करें। लेकिन इसके बाद भी आप भी जानते हैं, अक्सर भी सुना जाता है, मीडिया भी बताता है, न्यूज़पेपर भी बताता है कि FIR नहीं लॉज होती, तब क्या करें? तो देखिए, जो FIR है वो लॉज होती है CRPC के सेक्शन 154 में। लेकिन अगर आपका पुलिस स्टेशन पे नहीं लॉज होती, तो ये कहा गया है कि आप इसकी शिकायत के रूप में, कंप्लेंट के फॉर्म में, उस डिस्ट्रिक्ट के जो SP होते हैं, IPS रैंक के ऑफिसर, उनको जाके बताएं। उनके ऊपर ये रखा गया है 154 सब क्लास 3 में कि आप इसको ज़रूर सुने। और अगर आप चाहें, जो SP साहब हैं, वो अपने ऑफिस में इसको रजिस्टर कर लें और अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी SI को इसका IO बना के इन्वेस्टिगेशन करा लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये देखा जाता है कि हम थाने पे गए, वहाँ नहीं सुनी गई, SP साहब के पास गए, वहाँ भी नहीं सुनी गई। तब आपके पास निराश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको विधि कहता है, सहारा देता है कि आप सेक्शन 156 सब क्लास 3, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं 156 3, ये CRPC के सेक्शन है, इसमें आप एडवोकेट से बात करिए। आपके एडवोकेट एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे और जो कंसर्न्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, यानी आपका जो मोहल्ला, आपका गांव, आपकी कॉलोनी, जहां पर आप रहते हैं, उस एरिया का थाना होता है, उस थाने का मजिस्ट्रेट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वहाँ पर जाके आप उनको एप्लीकेशन दें। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो थाने के जो इंचार्ज होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज, उनको डायरेक्शन दे कि रजिस्टर द केस एंड इन्वेस्टिगेट, केस को रजिस्टर करिए और इन्वेस्टिगेट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया मजिस्ट्रेटों को कि आप थाने को छोड़िए, आप इसको कंप्लेंट ट्रीट कर लीजिए और अपने यहाँ मुकदमा शुरू कर दीजिए, ताकि इसको जो है फास्ट रिलीफ मिले। तो बहुत से मजिस्ट्रेट इधर हम देख रहे हैं 4-5 साल से,
वो क्या करते हैं, बोलते हमारे वकील से कहते हैं कि वकील साहब आप इसको कंप्लेंट क्यों ना ट्रीट कर ले, कंप्लेंट ट्रीट हो गई आपका काम बन गया। अब देखिए कभी कभी एक समस्या और आती है, FIR तो लॉज हो गई, FIR लॉज होने के बाद जो कंप्लेनेंट होता है, विक्टिम होता है, वो ये कहता है कि जो IO बनाया गया था उसने क्या किया, फाइनल रिपोर्ट लगा के अपने लेबल से केस को ख़त्म कर दिया, हमको तो पता नहीं, हमने तो FIR लॉज करा दिया था। एक दिन हुआ क्या था कि वो SI रैंक का जो ऑफिसर होता है जिसको IO बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आए थे और हमारा स्टेटमेंट ले लिए थे। इसके आगे तो हमें कुछ मालूम नहीं था। बाद में कुछ दिन के बाद कोर्ट से एक नोटिस आई कि जो आपने FIR लिखवाई थी उस पर तो पुलिस के IO ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। फाइनल रिपोर्ट जिसको क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, अक्सर आप सुनते हैं, मीडिया का वर्ड है, लीगल वर्ड है फाइनल रिपोर्ट, हिंदी में कहते हैं अंतिम रिपोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर यह कह दिया गया है कि मजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपको इन्फॉर्म न करें और आप कोर्ट जाएं और कोर्ट जाके आप खुद लिख कर नहीं देते कि मुझे मुकदमा नहीं लड़ना है, मुझे IO के द्वारा लगाई गई फाइनल रिपोर्ट मंजूर है। जब आप इतना कहेंगे तभी मजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब हमें लगता है कि हमारे साथ ऑफेंस भी हुआ था और हमने अपनी FIR भी लिखवाई थी और यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट लग गया, तो आपको ये राइट्स है कि आप एडवोकेट को हायर करिए और जो फाइनल रिपोर्ट लगी है उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दीजिए। उस एप्लीकेशन को बोलते हैं प्रोटेस्ट एप्लीकेशन, मैं मुकदमा लड़ना चाहता हूँ। और जैसे आप प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देंगे, FIR जो आपकी फाइनल रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट है, ट्रीट एज कंप्लेंट, वो एक कंप्लेंट की तरह ट्रीट होने लगेगी। जब कंप्लेंट की तरह ट्रीट होगी तो मजिस्ट्रेट का मुकदमा शुरू होगी। तो देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, इसमें एक बातें और छिपी हुई हैं, वो क्या है, कभी कभी हमको ये लगता है, खुद को ये लगता है कि मेरे खिलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है मोहल्ले में, ऑफिस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, और मुझे झूठे मुकदमे, फॉल्स केसेस में फंसा देगा और मैं अरेस्ट हो जाऊँगा। तो ऐसे केसेस में भी लॉ आपकी मदद करता है। वो मदद कहाँ करता है, CRPC के सेक्शन 438 में बोला गया एंटीसिपेटरी बेल। जब कभी आपको डाउट हो तो आप क्या करिए, दो कोर्ट को ऑथराइज किया गया है, एक तो सेशन कोर्ट, यानी कि जो सेशन जज होते हैं, DJ होते हैं उनको, या हाई कोर्ट को। आप एडवोकेट के थ्रू एक एप्लीकेशन डालिए एंटीसिपेटरी बेल और अपनी बेल करा के आप बैठ जाइए। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए वो झूठे मुकदमे से आप रोक नहीं सकते, अगर उसको फाइल करना है तो वो थाने पे फाइल करेगा। इसका बेनिफिट क्या है एंटीसिपेटरी बेल कराने का, बेनिफिट ये कि न तो आपको पुलिस अरेस्ट करेगी और ना आपको कोई बेल कराने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपकी मान प्रतिष्ठा जो रिपुटेशन है वो आपकी वैसे की वैसी बनी रहेगी। अब बाद में वो चूँकि फाल्स है, आप चाहेंगे तो उसको 482 CRPC में इनहेरेंट पावर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट को मिला हुआ है कि उस फाल्स FIR को क्वेश्चन करा दें, यानी आपकी पूरी मान प्रतिष्ठा बच गई है और जिसने आपके साथ इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी किया है आप उसके अगेंस्ट डिफेमेशन सूट ले आइए, उसके अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ले आइए और आप उससे अच्छा खासा डैमेजेस ले सकते हैं। क्रिमिनल लॉ में अगर डिफेमेशन लाते हैं तो उसको आप जेल भिजवा सकते हैं। तो देखिए आज का जो वीडियो है वो केवल ये है कि जो समाज में हम लोग रहते हैं, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर हमारे साथ कोई क्राइम होता है तो हम क्या करें, हमारे किसी परचेज साथ क्राइम होता है तब हम क्या करें, हमें कोई क्रिमिनल केसेस में फंसाना चाहता है तब हम क्या करें, अगर पुलिस ने FIR लिख लिया बाद में पुलिस ने हमको धोखा दे दिया, हमारे केस को क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया तब हम क्या करें। तो जब इन सब बातों को हम जान लेते हैं तो हमें ये लगता है कि अब हम समाज में अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे, कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो हम उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज जो ये हमने आपके सामने वीडियो रखा इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इसको सोसाइटी में जो आपके परिचित हैं उनको भी भेजिए। ये फ्री आप कास्ट आपको दिया जा रहा है, केवल इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग जागरूक होइए और लोगों से बोलिए कि इसको जिसको आप भेजिए उनको ये ज़रूर कहिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर ये होगा कि अब नेक्स्ट वीडियो उनके खुद भी चैनल पर आने लगेगा और वो भी उसका लाभ उठा लेंगे। थैंक यू।